ऋणभार जमाकारी खुशी खबर। पोर्टाल लॉन्च करी टंका फेराइबा प्रक्रिया आरंभ कला केन्द्र। प्राथमिक पर्यायर 10,000 टंका मिलिबो जमाकारी। ओडिशा रे जमाकारी टंका फेराइबा प्रक्रिया केबे सरकार करथिबा 300 कोटी कॉर्पस फंड कुआडे गला। सारा देश रे सहारा इंडिया रे टंका जमा करथिबा जमाकारी फेरी पाइबे जमाराशि। एदिपाई केंद्र गृह और समवाय मंत्री अमित शाह नुआ पोर्टाल लॉन्च करिसथि। केंद्र समवाय मंत्रालय अधीन रे एही पोर्टाल http://corporation.gov.in रे पंजीकृत करी जमाकारी निज समा संपर्कित समस्त दस्तावेज अपलोड करि परिबे। 30 मध्य रे यह जांच हेबो एवं 15 दिन भितरे जमाकारी को पंजीकृत मोबाइल को मेसेज जिवो। 45 दिन भितरे टंका फेरी पाइबे जमाकारी। 4 कोटी जमाकारी प्राथमिक पर्यायर 10,000 लिखाए पाइबे। धीरे धीरे जमाकारी करिथिबा संपूर्ण राशि फेरी पाइबे। ये कार्यक्रम का महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई, घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। सेपटे ओडिशा रे भी सहारा इंडिया रो हजार हजार जमाकारी अछंती। टंका फेरी पाइबा पई एमान भी अनेक थर आंदोलन करिसंती। एबे केंद्र सरकार सहारा जमाकारी को पई पोर्टाल आरंभ करथिबारु एमानक मनरे टंका फेरी पाइबार आशा संचार होइछि। 2 लाख बांधिलु केंद्र सरकार टंका देबे बोली कि हमर जे पाऊ बोली कि आशा अछि। आ केउ करू हम जो अमित शाह हमकु आश्वस्त देइजन जे आप माध्यम रे सहारा डिपोजिटर मानकर पैसा फेरस्त करिया पई। सेति सकासे जेउ भाई मानकर डॉक्यूमेंट अछि सेमान जदी आनी प्रोड्यूस करेंगे से पैसा फेरी पाइबे। बर्तमान केंद्र सरकार को आम धन्यवाद दौजु। बारंबार ऑफिस को दौड़ी दौड़ी निराश हो फेरी थी, किंतु आज जो प्रकार ये है अमित शाह आमर लॉन्च कले से मु आशावादी जे मो टंका फेरी पाइबी। सहारा जमाकारी को टंका फेराइबार प्रक्रिया केंद्र सरकार आरंभ करथिबा बेले ओडिसा रे क्षुद्र और मध्यम जमाकारी शीघ्र टंका फेरी पाइबे बोली सरकार देथिबा प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली प्रश्न करिछि बीजेपी। सेहिपरि सरकारी दलर इस्ताहार रे दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति कथा भी मने पकाई घेरिछि बीजेपी। चिटफंड क्षतिग्रस्तन को टंका फेराइबाकू सरकार गठन करथिबा 300 कोटी कॉर्पस फंड रु केते टंका केते जमाकारी को फेरा जाइछि तार हिसाब देबा सह सबु जमाकारी को केबे टंका मिलिबो बोली दल प्रश्न करिछि। जमाकारी मिलित मंच मध्य सरकार को समान प्रश्न पचारिछि। 2009 मसीहा रे चिटफंड पैसा रे बिजु जनता दल निर्वाचन लड़की सरकार को आस्थिला। 2014 रे चिटफंड जो माने पैसा हरैछंती ताकू पैसा फेरै देबो कहि सरकार आसला। वर्तमान तो सरकार कम से कम केंद्र सरकार को सिखंतु। एबे जो नवीन ओडिसा कोन गरीब लोकन पई ये नवीन ओडिसा नाही। जो कॉर्पस फंड गठन करथिले सरकार 300 कोटी रो जोटा आज सुध मूल मिसेले 600 कोटी हबो। से 600 कोटी रो कॉर्पस फंड ओडिसा रे जो चिटफंड क्षतिग्रस्त जो माने पैसा हरैछंती हेमान को फेरै दियंतु। राज्य सरकार जानि सुनि काहे कि ना कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जते बेले तदंत करी कहले ये भ्रष्ट काम करिछि होछि सहारा कंपनी ता विरुद्ध रे आईनगत कार्यानुष्ठान लिया जाऊ। 2019 मसीह से रिपोर्ट देलेनी, किंतु राज्य सरकार ए पर्यंत ता उपरे कोनोसी पदक्षेप नेलेनी। जमाकारी माने को टंका फेरस्त रे जो कोनोसी हेले पदक्षेप निया होछि ताको अभिनंदन जणैबी एवं शेष जमाकारी टंका फेरस्त पाया पर्यंत हम ए संघर्ष चालिछि ये चालिबो। 2013 रे राज्य सरकार 300 कोटी रो कॉर्पस फंड करथिले, किंतु 10 वर्ष हेला केते लोकन को टंका फेराई छथि ओ केबे सबु जमाकारी को टंका फेराइबे तार उत्तर ना सरकार ना शासक दल पाखरे अछि। दिल्ली रु गगन विश्वालक सह कविसूर्य नगर रु गणेश डाकुआ और भुवनेश्वर रु प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट आर्गस न्यूज।